good morning, everyone. today we are going to read chapter seeing in the mind. i suggest you please open your book and read with me. before we start our chapter, we discuss about poet and his view on this chapter. nina badwen was born in london in january 1925. she wrote 22 novels and 18 children's books. her work may be described as social comes dies with modern themes and settings. her novel afternoon of a good woman won a yorkshire post novel of the year award and Circle of Deceit was shortlisted for the Booker Prize. Bowden, who died in 2012, was both a fellow of Royal Society of Literature and president of the Society of Women Writers and Journalists. After reading about the poet, we are going to read our chapter in detail. I have only once written a book, not to order, exactly, but to please a particular audience, a girl of seven हु वॉज़ एज सी पुट इट आ लिटिल बिट ब्लाइंड तो मैं एक बार बुक लिख रही थी और यह बुक सही से लिखी नहीं थी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं थी और इस बुक को मैंने लिखा था पर्टिकुलर एक ऑडियंस के लिए जो एक सात साल की लड़की है जो लिटिल बिट ब्लाइंड है थोड़ी सी अंधी है दिखाई कम देता है उसे वी हैड गॉन ऑन हॉलीडे विथ हर फैमिली फ्रेंड हु हैड चिल्ड्रेन मच द सेम एज एज आवर्स रेंटिंग एन ओल्ड मैंस ऑन द साइड ऑफ अ लॉज ऑन द आइलैंड ऑफ मल जेनी दैट इज़ द नेम आई गेव हर इन द बुक आई रोट ऑफ रोट फॉर हर वॉज द यंगेस्ट ऑफ़ फोर चिल्ड्रन. तो हम सब एक बार अपने फ्रेंड के साथ पूरे फैमिली के साथ गए घूमने के लिए और हम लोगों ने एक झील झरने के पास एक लॉज में हम लोगों ने एक बड़ा सा पुराना सा घर लिया जो है आईलैंड ऑफ मल के ऊपर और ये है इस्काटलैंड में और इस बुक में जिस लड़की के बारे में लिख रही हूँ उसके उसका नाम है जैनी और मैंने उसका नाम इस बुक में जैनी दिया है जो अपने चार भाइयों और बहनों में सबसे छोटी है द ओल्डर टू वर परफेक्टली साइटेड द थर्ड ब्लाइंड द थर्ड चाइल्ड अ बॉय हैड बिन बोर्न विद इनफेंटाइल ग्लूकोमा तो दो भाई जो इसके बड़े हैं दो बच्चे जो बड़े हैं वो अच्छे से देख सकते हैं उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो तीसरा बेटा है या भाई है इसका जैनी का जो भाई है वो सही से देख नहीं पाता क्योंकि उसे बचपन से ही ग्लूकोमा है ग्लूकोमा मीन्स एक आँख उसकी काम नहीं करती उसके जगह पे एक कांच की आँख मिरर की आँख लगा दी गई है ही कुड सी आउट ऑफ वन आई द अदर वॉज ग्लास अ यूजफुल प्रॉप फॉर अ बॉय विथ अ मिशिवियस नेचर और इसकी जो एक आँख है वो कांच की लगी है ग्लास की लगी है और ये उस बच्चे के लिए खिलौने के तरह है और जिस तरह से वो बदमाशी करता है उसके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है द फर्स्ट टाइम आई बाथेद हिम अलॉन्ग विथ माई सन द सेम एज आई स्टिल माई माई सेल्फ टू टेक हिज आई आउट एंड वॉश इट एज आई हैड सीन हिज मदर डू इंटेंडिंग टू बी अपसूटली कॉजल अबाउट इट एज सी वॉज बट आई वॉज सेक्रेटली टेरीफाइड एंड ही न्यू इट तो एक बार जब मैं उसे उस बच्चे को नहा रही थी अपने बेटे के साथ जो उसी के एज का है तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा कि मैं मुझे उस आँख को निकाल के धोना था जिस तरह उसकी माँ उसके आँख को धोती थी और वो बच्चा भी जानता था कि मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हूँ ही कोल्ड माई ब्लफ ही टुक द आई आउट हिमसेल्फ हाउप आउट ऑफ द बाथ एंड चेस मी राउंड द बाथरूम विथ इट सब मी राइट फिर वो समझ गया कि मुझे डर लग रहा है उसे निकालने में तो वो अपनी आँख को खुद से निकालता है और निकाल के मुझे देने के बजाय बाथरूम में इधर उधर भागना शुरू कर देता है मैं भी उसके पीछे भागती हूँ और ये मुझे डिजर्व करता है कि मैं भी ऐसा करूँ नाउ यू रीड दिस चैप्टर अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर रीडिंग द चैप्टर राइट द पोए राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक थैंक यू सो मच